वाली ट्रेन जो कि हमें जाना है रेलवे स्टेशन। जी है जी, मेरा पुराना घर जहाँ पे मैं पैर भरा हूँ, सामने सारा मेरा रोज़ा अफ्तार हो चुका होगा रास्ते में, पर मैं देखा रोज़ा नहीं खोला बस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज जो है मैं आपको एक अच्छा सा व्लॉग, मेरे ब्लैक मैं आ जा रहा हूँ अपने पुराने मोहल्ले में, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे अपना पुराना मोहल्ला वहाँ कैसा है और किस तरह था, कहाँ पर रहे हैं हम लोग। टोटली इतनी अच्छा अफ्तारी तो होने वाली है, अफ्तारी का भी टाइम तो 2 घंटे रह चुके हो गए, तो पहुँचते हैं। अभी मैं निकला हूँ थोड़ी देर में, 4 बज रहे हैं, 6:15 बजे मैंने घर भी आना, तो इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको। तो उससे पहले आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर, लाइक और शेयर कर, कमेंट लाजमी कर दूँगा। तो गाइस आज मैं आप लोगों को पहले तो इधर जो है अपने ब्लॉग में ना ऑरेंज लाइन स्टेशन दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने जाना ऑरेंज लाइन से है। तो जितने भी बाहर के मुल्क में जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, वैसे तो जितने मेरे फैंस हैं, आई नो कि मुझे वो मैसेज करते हैं, और उनको जो है ना स्पेशली मैं अपने पाकिस्तान की जो ऑरेंज लाइन है आज मैं फ़र्स्ट उनको लाइव दिखाऊंगा, जहाँ से हम लोग सफ़र करते हैं, और बहुत आसान सफ़र है वैसे। आई नो कि बाहर के मुल्क में चीज़ें इन चीज़ों की सहूलत मौजूद है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी एरिए में जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे भी ये चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं, अभी चलते हैं। तो फाइनली हम लोग जो हैं ऑनलाइन स्टेशन पर आ चुके हैं, और अभी जो है हम लोग एलिवेटर में बैठेंगे, और लैपटॉप एंड दिस अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। अभी हम लोग ऊपर आ रहे हैं, इतना भी प्रॉपर ये सेटअप है भाई, और ये पाकिस्तानी ऑरेंज ट्रेन का ऑरेंज लाइन का जो है ना प्रॉपर ये सेटअप है। ये तो देखते हैं काउंटर पर जाकर करता हूँ रेलवे स्टेशन देना। तो अभी तो टोकन ले रहा हूँ उसके बाद, तो अभी हम लोगों ने जो है ना प्रॉपरली टोकन ले लिया, अभी हम लोग जाएंगे ऊपर। यहाँ से जाना हम लोगों ने ऊपर, और ऊपर का आपको मैं जाना भी दिखाता हूँ। तो फाइनली दिस इज द ऑरेंज स्टेशन, ये हमारा पाकिस्तान का ऑरेंज स्टेशन है जो आपको दिखा रहा हूँ। अभी अभी ट्रेन आएगी तो मैं आपको दिखाऊँगा ट्रेन के बारे में, देखिएगा वाली ट्रेन जो कि हमें जाना है रेलवे स्टेशन। हम आए पाकिस्तान में तो कटिंग हो चुकी ऑलरेडी, और यहाँ पर रेलवे स्टेशन कुछ बेहतर से हो गई, और ऊपर से रोज़ा अंत का लगा। सो भाई ये है हमारे बाहर के जो असरा बाहर वाला हिस्सा, टोटली ठीक है, बाहर का प्रॉपर व्यू आपको दिखा रहा हूँ। फाइनली मैं अपने रेलवे स्टेशन पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे ये सीन चल रहा है, देखो फाइनली भी क्या करते हैं। तो हम चलेंगे इस तरफ को, ये आज दर्शन ही इतना है वैसे, बट ना दर्शन बड़ा ज़्यादा होता है यहाँ पे ना जो है हम लोग, पता है यहाँ पे शुक्र है आज रश नहीं है, वरना यहाँ पे इतना रश होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। हमारा पाकिस्तानी लंडा बाजार यहाँ पे सारे जितने भी आते हैं ना करते हैं, और देखा जाए ना तो जितने भी आप लोग देखते ना कि लोग पेंटे शर्टें पहनते हैं लाइक घर में, वो सारा यहीं से पाया होता है, टोटली यहीं से पाया होता है। और उसके अलावा अभी मैं दिखाता हूँ, ये हमारा स्कूटर चल रही है, और हमने स्पीडो में बैठ के जाना है, अगला स्टेशन है वहाँ पे, हम लोग बस स्टेशन के पास ही हैं। तो हम अभी आपको स्पीडो दिखाते हैं, स्पीडो बस, रेड बस जो पाकिस्तान में चलती है। तो अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ स्टेशन पे, उसके बाद आपको मुझे दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या हिसाब है। ये है कि लोकल सफ़र जो हम लोग चिंग चिंग में बैठते हैं ना, उससे अच्छा सफ़र है स्पीडो का, लेकिन ये है कि वहाँ पर लोग काफ़ी होते हैं, तो मैंने भी लाइक ये पहले बहुत रश होता उसमें भी, देखिए।
फाइनली मैं जो है स्पीडो के स्टेशन पे आ चुका हूँ। मैं आपको स्टेशन दिखाता हूँ जहाँ पे लाल बसें, जिन्हें रेड बस कहा जाता है, वो यहाँ पे जो है ना दिस यहाँ पे हम लोग आए हैं। ये स्टेशन है प्रॉपरली, ठीक है। और अभी गाड़ी जो है अभी बंद है, मेरे ख्याल से वो पिछली गाड़ी है जो हम इसने हम लोग जाएंगे। बहुत अच्छी लगी अपनी और किराया बहुत मुनासिब होता है। सो गाइज दिस इज द रेलवे ट्रैक। मैं स्पीडो से उतर चुका था और ये रेलवे ट्रैक है हमारे जो पुराने मोहल्ले में पास है ना स्टेशन, तो बस फिर उसको देख के चल रहे हैं। मैंने ना यहाँ पे किसी के पास जाना कपड़े देने के लिए, वो पकड़ाऊँगा उनको, फिर उसके बाद वहाँ से आपको दिखाऊँगा दूसरा घर जहाँ पे मैं पैदा हूँ, मतलब जहाँ पे मैं बड़ा पला हूँ। आपको कितना ना पूरा दिखाता हूँ एरिया, ये फरूकगंज एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे जवानी दूध वाले और प्रॉपरली जितना भी हमारा सेटअप है आपको दिखाता हूँ। प्रॉपरली ये अपना एरिया है जहाँ पे मैं पैदा हुआ, जहाँ पे मैं भरा हुआ। मैं आपको जो है ना भी दिखाता हूँ अपना पुराना घर जहाँ पे मैं पैदा हुआ, जहाँ पे मैं भरा हुआ, क्या तो वो सारा प्रॉपरली ये है। ये है जी मेरा पुराना घर जहाँ पे मैं भरा हूँ। सारा मेरा प्रॉपरली बचपन गुजरा है कि मेरा वो घर है, ठीक है। और मैं बस ये दिखाने के लिए आया हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ। तो अगर मेरे पास उस घर की चीज़ होती मेरे पास, तो मैं आपको अंदर से टूर करवाता उसका लाजमी, लेकिन मेरे पास चीज़ नहीं थी है। तो खैर चलो नेक्स्ट टाइम से। एक बात है, मेरा रोज़ा और अभी रास्ते में ही, मतलब कि लाइक अभी मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे कोई है जिसके इधर मैं जाकर रोज़ा खोल सकता हूँ, अगर टाइम हुआ तो, नहीं तो घर के लिए तो निकलूँगा निकलूँगा शाम को। अभी मैं निकल रहा हूँ घर के लिए क्योंकि अफ्तारी का टाइम हो रहा है रास्ते में, और पता नहीं शायद हो सकता है रास्ते में ही मेरी अफ्तारी खुल जाए, पता कुछ भी नहीं आता। तो यार अब तो मैं जा रहा हूँ वापस, क्योंकि टाइम बहुत लेट हो चुका होगा और मैंने घर के लिए करना, और अभी स्पीडो भी नहीं आई अभी तक। स्पीडो तो रेलवे स्टेशन पे, लेकिन टाइम छोटा है और रोज़ा खुलने वाला है 10 मिनट रह गए, और घर जाना है अभी। मैंने देखो गाइस अभी जो है टाइम बिल्कुल शॉर्ट है और मुझे निकलना पड़ेगा, और बड़े अच्छे टाइम पे मैं आया हूँ। प्रॉपरली ट्रेन आ जाएगी और मैं अच्छे टाइम पहुँचा इस तरह। रोज़ा अफ्तार हो चुका होगा रास्ते में, और अब तक मैं रोज़ा नहीं खोला, बस घर के लिए निकल रहा हूँ। घर तक तो बस पहुंचने वाला हूँ थोड़ी देर में, और रोज़ा खोल चुका है, अभी तक मैंने नहीं रोज़ा खोला, और हाल बहुत हाल हो चुके हैं। मैं मुझे माफ़ करना, रोज़ा लेट खुल रहा है मेरा, तो आप समझ सकते हैं कि भाई मेरी इस टाइम क्या हालत है। और जो भी है मैं तो बहुत जल्दी कर रहा हूँ पहुँचने की। घर तक पहुँचा हूँ जाके, अब सुकून हो गया, जाके कुछ खाया पिया, रोज़ा खोला, सुकून हो गया। तू क्यों हंसन नहीं है आज? तो पूरा ब्लॉग च नहीं आई, पीछे रह गया। सो फाइनली गाइस अफ्तारी हो गई, पुराना घर दिखा दिया, सब हो गया। लाइक इतना मैं थक गया हूँ इस टाइम कि अब मैंने अफ्तारी भी सही नहीं की, और अफ्तारी जो है बहुत ही ज़्यादा मेरी आज भी आपके सामने गया, वही जो दिखा रहा आप लोगों को आपके सामने है। अफ्तारी मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं जा रही है, और बस अभी इस तरह ही जो है मेरा जो रमज़ान है, आई डोंट नो कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। चलिए कोई नहीं, इंशाल्लाह ये व्लॉग को हम यहीं पर इख्तिताम पसीर करते हैं, यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी कीजिएगा, और नए नए व्लॉगों के लिए आइडियाज़ दें कैसे कैसे व्लॉग बनाऊँ। और हाँ, अपनी दुआ में याद रखिएगा, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। नए व्लॉग के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।